और भाई आजकल जिक्र की एक बहुत बड़ी फजीलत और जिक्र का बहुत बड़ा फायदा यह भी है कि इसके जरिए अल्लाह तबारक व ताला की नाराजगी और उसके गुस्से गजब और उसके अजाब से महफूज रहने का ये रास्ता है, एक हिफाजत है अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से इस जिक्र से। खासतौर पर जब कोई अमूमी मसाइब आ रहे हों, अमूमी तौर पर मुसलमान मुश्किलात का शिकार हों, फितनों में मुब्तला हों, तो उस वक्त ज्यादा से ज्यादा रुजू करना चाहिए अल्लाह तबारक व ताला की तरफ, अल्लाह तबारक व ताला के जिक्र की तरफ, उससे इस्तग़फार इस्तआज़े की तरफ। अब आजकल के जैसे हालात हैं हमारे मुल्क में, जिस किस्म के हालात पैदा हुए हैं, और मुल्क में क्या पूरी दुनिया में, पूरे आलम इस्लाम में जिस तरह दुश्मनों का तसल्लुत है और पूरा आलम इस्लाम दुश्मनों के नरगे में है, उससे कौन मुसलमान है कि जिसका दिल बेचैन ना हो, सब परेशान है क्या हो रहा है और किस तरह मुसलमानों के ऊपर मसाइब के पहाड़ टूट रहे हैं, खाना जंगी हो रही है, कितने लोगों की जाने जा रही हैं, कितने लोग खानमा बर्बाद हुए हुए हैं, कितने लोग मसाइब मुसीबतों का शिकार हैं और उम्मीद की कोई कुरे नजर नहीं आती। इस सूरत हाल में सिवाय अल्लाह तबारक व ताला की तरफ रुजू के कोई और पनाह नहीं। हमारे हजरत हजरत आरिफ कदस अल्लाह ताला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दर्जात बुलंद फरमाए फरमाया करते थे कि ऐसे मौके पर जबकि मुसलमान आम मुसीबतों का शिकार हो तो बकसरत लोग ये करते हैं कि बैठे हुए तब से नहीं करते ना, ये हो गया वो हो गया, फलां ने ये कर दिया फलां ने ये कर दिया, तब से नहीं लंबे चौड़े तबसरों में बस मसरूफ है और हालात की खराबी का शिकवा हो रहा है, उसके असबाब के ऊपर बहस हो रही है और उसके ऊपर तबसरे हो रहे हैं, सारा वक्त इसी में गुजर रहा है। तो हमारे हजरत फरमाते थे कि भला बताओ ये सारे पैसे करके और तबसरे करके और मजलिसें जमाकर क्या फायदा तुमने हासिल किया और इस मुसीबत को दूर करने का कौन सा रास्ता तुमने तलाश कर लिया इस सारे बहस मुबाहसे में और सारे तबसरों के अंदर, कुछ भी हासिल नहीं सिवाय इसके कि इसमें बाद औकात तबसरों के नतीजे में बाद औकात गीबतें हो जाती हैं, इफ्तरा हो जाता है, बोहतान लग जाता है किसी के ऊपर बिला वजह, अफवाहें गर्दिश करती रहती हैं ऐसे मौके पर, फला जगह ये हुआ था फला जगह ये हुआ था फला ने ये किया था फला ने ये किया था, ये अफवाहें फैलती रहती हैं और जब मजलिसें जमती है तबसरे होते हैं तो उसमें उन अफवाहों को दोहराया जाता है और उसके बगैर तहकीक के बातें होती हैं तो उसमें अंदेशा है झूठ का भी, गीबत का भी, बोहतान का भी, और ये सारी चीजें वो है जो अल्लाह तबारक व तआला के गजब को दावत देने वाली। तो बजाय इसके कि इन तबसरों से और इन बातों से कोई फायदा पहुंचे, उल्टा नुकसान होने का अंदेशा है, दीनी नुकसान भी और दुनियावी नुकसान। और हमारे हजरत वाला अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए फरमाया करते थे इतना ही वक्त मियां तुमने अल्लाह ताला से रुजू करके गुजार लिया होता, बैठ के अल्लाह ताला के हुजूर मांग लिया होता कि या अल्लाह इस मुश्किलात का हम शिकार हैं, या अल्लाह अपने फजल व करम से इनको हमसे दूर फरमा दीजिए, तौबा कर ली होती, इस्तग़फार कर लिया होता, क्योंकि कुरान करीम फरमाता है मां असाबकुम में मुसीबत फबिमा कसबत अयदीकुम, जो मुसीबत भी तुम्हें पहुंचती है खुद तुम्हारे हाथों के अपने करतूत की वजह से होती है। तो इस्तग़फार किया होता, तौबा की होती, अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर गिड़गिड़ाए होते कि या अल्लाह हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अपनी रहमत से मुसीबत हम पर हमसे दूर फरमा दीजिए, इसको अपने गजब को हमसे टला दीजिए, अपने अज़ाब को हमसे दूर फरमा दीजिए, ये दुआ की होती सिद्क दिल के साथ। शायद अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल करम से इस मुसीबत से नजात देते, कुछ कम से कम कुछ फायदा तो होता, और ये फायदा तो नक़द है ही कि जब अल्लाह तबारक व ताला की तरफ रुजू की तौफीक हो गई, जिक्र से, दुआ से, तौबा से, इस्तग़फार से, ये बताते खुद
فائدہ ہی فائدہ ہے. اور اللہ تعالیٰ قبول فرما لے تو اس سے کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس عذاب کو بھی رفع فرما دے ہم سے. لیکن افسوس یہ ہے کہ جب اس قسم کے حالات پیش آتے ہیں تو رخ اس طرف نہیں مڑتا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع کرنے کا کی طرف رخ نہیں مڑتا, بلکہ ایسی فضول مشغلوں میں وقت گزار دیا جاتا ہے. تو بھائی آج کل ہم جن حالات سے دو چار ہیں, گرفتار ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے شامت اعمال کو دور فرما دے, ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے, اس بلا کو ہم سے ٹال دے. اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہر مسلمان جو بے چین ہے صرف بے چینی کا اظہار نہ کرے, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے, اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے, دعائیں مانگے, توبہ کرے, استغفار کرے, یا اللہ معاف فرما دیجئے, مجھے بھی معاف فرما دیجئے, ہماری ساری امت کو, ساری قوم کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجئے. توبہ کرے, استغفار کرے, ذکر کی کثرت کرے. عجیب بات ہے کہ ہم لوگ بے چینیوں کا بھی اظہار کرتے ہیں, اضطراب کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ یہ ایسے حالات میں طبیعت بے چین ہے, پریشان ہے, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ غفلت کا بھی یہ عالم کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع میں جیسا رجوع کی طرف جس طرح توجہ ہونی چاہیے تھی اس توجہ سے غفلت ہے, اپنے انہیں مشغلوں میں لگے ہوئے, انہیں خیالوں میں لگے ہوئے. تو اگر ساری قوم مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک مرتبہ متوجہ ہو جائے, یہ پیغام سب کو پھیلانے پہنچانے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرو, چلتے پھرتے مانگتے رہو اللہ تعالیٰ, چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو, اللہم لا ملجا ولا منجا منک الا الیک, اے اللہ آپ کے عذاب سے بچنے کا کوئی اور راستہ سوائے اس کے نہیں ہے کہ آپ ہی کے دامن میں پناہ لی جائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض معروض کرو تو کچھ فائدہ بھی ہے.